रवि जी, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? जी हाँ, दोस्तों के साथ शिकार खेलने जा रहा हूँ। ये शिवनयन का चौथा खत आया है, जरा इसे पढ़ लो। मैं इसे पढ़कर क्या करूंगा डैडी, आप उन्हें इनकार लिख दीजिए कि रवि रूपा से शादी नहीं करना चाहता। इनकार लिख देना इतना आसान नहीं है रवि। शिव को खत लिखने बैठता हूं तो उसे 17 साल पहले दिया हुआ वो वचन याद आ जाता है जब रूपा पैदा हुई थी और शिव ने हमें तार देके अपने गांव बुलवाया था। और 11 दिन की रूपा को मेरी गोद में देकर कहा था, भाभी। चलो भाभी, इससे पहले मेरे 6 बच्चे मर चुके हैं, इस 7वीं बच्ची पैदा हुई है, मैंने सोचा इस पर तुम्हारा नाम लगा दूं, शायद तुम्हारी होकर जी जाए। शिव, अब रूपा हमेशा के लिए हमारी हो गई, ये हमारी बहू है, हमारे रवि की दुल्हन, आज से ये हमारी अमानत बन के तुम्हारे यहाँ। और आज जब वो लिखता है कि आके अपनी अमानत को ले जाओ तो अपने आप से शर्मिंदगी होने लगती है। डैडी, एक गवार देहातन को ही मेरे पल्ले बांधना था तो मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत थी। हम तुम्हें रूपा से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे बेटा, पर इतना जरूर चाहते हैं कि इनकार करने से पहले तुम उसे एक बार देख तो लो। अच्छी बात है मम्मी। तो क्या मैं शिव को लिख दूं? गोपालपुर शिकार खेलने की भी बहुत अच्छी जगह है और फिर शिव तुम्हारे दोस्तों के रहने का इंतजाम भी कर देगा। नहीं डैडी, मैं आपके कहने पर गोपालपुर तो चला जाऊंगा लेकिन इस बात की खबर उन्हें नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्या तुम शिव से नहीं मिलोगे? मिलूंगा, अगर रूपा पसंद आई तो। रूपा के गुण गाते हुए गांव से वापस आओगे बेटा? ये लो कुछ साड़ियां रूपा के लिए, उसे दे देना। लो। नींबू तैयार? परदेसी मालूम होते हैं, माफी मांग लेते हैं। इन हरामियों की मैं खबर लेता हूँ। माफ कर देना बाबूजी, गलती हो गई। मेरी जीप का शीशा तोड़कर माफी मांगता है, क्या ये शीशा तेरा बाप लगाएगा? अबे बाप तक मत पहुंच, तो तेरा मुंह तोड़ देगा, समझा? अरे कल के छोकरे, इसकी तो पिटाई हो रही है, चलो मदद करो। और बिल्ली के बच्चे, और समीर सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मालकिन, बिटिया मुझे देखते ही भाग गई। यहाँ वाले तो मालिक का मुंह देखकर कुछ नहीं बोलते, मगर वो मोटर वाला मुझे कहीं और का लगे था। हाँ,
क्यों बे नथु काका, चुगली खाता है मेरी। राम, राम, एक दिन तेरे भी मालिश पालिश दोनों कर दूंगा, समझा? अरे पप्पा रे पप्पा, अजी सुनते हो, जरा बाहर तो आओ। अरे भाई क्या हुआ, चीख क्यों रही हो? अब तो पानी सर से ऊंचा हो चला है जी, ये तो रास्ते चलते लोगों से झगड़ा करने लगी है। बापू, उस बिल्ली के बच्चे ने मुझे गाली दी। अरे गाली दी तो तूने उसका सर क्यों नहीं तोड़ दिया? वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हो बेटी को, तुम्हारी इन्हीं बातों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। जरा इसका हुलिया तो देखो, न जाने किसकी मोटर का शीशा तोड़कर आई है। अरे शीशा टूट गया तो क्या हुआ, हम दूसरा लगवा देंगे, मगर उसने हमारे बेटे को गाली क्यों दी? बहुत मोटी गाली दी बापू, बदमाश बोला। क्या बदमाश बोला? हाँ, कमीना भी बोला। कमीना बोला, उसकी ये जुरत? टुल्लू का पट्टा भी बोला बापू, उसकी ये मजाल? कहाँ है वो, मैं उसे गोली मार दूंगा। किस किस को गोली मारोगे, दिन में 10 दंगे करके आती है ये लड़की, एक दिन किसी का खून काट डालेगी और आप कोर्ट कचहरी फिराती फिरेगी। पर काट डालो इसके और पिंजरे में बंद कर डालो बंदरिया को। माँ, बंदरिया के पर नहीं पंजे होते। चुप रह, माँ के सामने जबान चलाती है, तेरा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, चल मेरे साथ। अब तुम अंदर बंद रहोगे और जब तक हम ना कहें बाहर नहीं आ सकते, चलो। टिंगू, क्या खबर लाया है? अरे दीदी, वो अपनी जीप को ढकेल के डाक बंगले की तरफ ले गए हैं, लगता है शिकार खेलने आए हैं। ये ले। शिकार खेलने आए ना, चल चलो। चल ब्रह्म, जल्दी करना यार, चलो। अरे गाड़ी को क्या हुआ? लगा दे मोटर खटका, लगता है पंक्चर हो गई। चल देखे तो सही, चलो। अरे क्या हुआ गाड़ी को, बोलता क्यों नहीं, क्या हुआ? अरे तुम लोगों ने अपना हुलिया क्या बना रखा है? रवि जा बंदूक इधर ला, मैं उस साले को गोली से मारूंगा। किसे गोली से मार देगा, झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, हाँ, हाँ? अच्छा तो समझा, तुम लोगों ने जरूर किसी लड़की को छेड़ा होगा और गांव वालों ने तुम लोगों की खूब पिटाई की होगी। लड़की और ये सुजाड़ गांव में? अरे तो हाँ। झगड़ा किसके साथ हुआ? एक बदमाश छोकरे से जो अपने आप को दादा कहता है। मैं उसे जान से मार दूंगा। हाल ये गाँव है शहर नहीं, मैं इस गाँव के जमींदार को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अभी उस बदमाश दादा को बंधवा कर तुम लोगों के सामने बुलवाता हूँ। चलो जाओ, जाकर अपना हुलिया ठीक करो, जाओ नहा दो, चलो 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 चलो। सुनो सुनो बिल्ली के बच्चों, यहाँ शिकार खेलने की मनाही है, जो भी यहाँ शिकार खेलेगा उसकी मालिश पालिश कर दी जाएगी, ये दादा का हुक्म है। अबे तेरी और तेरे दादा की ऐसी की तैसी है, भागता कहाँ है? अबे ठहर, ये तो गोली मार दूंगा, देखा। देख लिया ना निशाना, शिकारी का बेटा हूँ, उस वक्त से बंदूक चलाता हूँ जब तू अंगूठा चूसता होगा। इस तरह घूर घूर के क्या देख रहा है? टिंगू हमारी फौज का कमांडर है, हमारे इलाके में आकर उस पर बंदूक चलाता है। अबे ये इलाका क्या तेरे बाप का है? तो क्या तेरे बाप का है? मैं यहाँ के जमींदार शिव नारायण का बेटा हूँ। लेकिन शिव नारायण जी की तो? हाँ, आ गए जी पे, ये लोग पकड़ो अपनी बंदूक और यहाँ से फुट जाओ अपने कबूतरों के साथ, समझे? क्यों कबूतर, देख लिया ना हमारे दादा को? हाँ हाँ देख लिया। अच्छा ये बताओ तुम्हारे दादा का नाम क्या है? रूपी दादा। रूपी दादा या रूपा दीदी, तुम्हें कैसा लगता है, दादा या दीदी? अरे वो खैर यार छोड़ो इन बातों को, आओ दोस्ती कर ले, मिलाओ हाथ।
अब मिलाओ हाथ यार, सोचते क्यों, मिलाओ मिलाओ। तुम तो बड़े सीधे निकले, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बड़ी खुशी हुई ना, तो आओ बेटा, तुम्हारे दादा के बाप से मिलते हैं और तुम दोनों की मरम्मत कराता हूं मैं। अबे चल सीता, नहीं तो उठा कर लेकर जाऊंगा। मगर मुझे क्यों लेके जा रहे हो, जो कुछ दादा ने कहा वो मैंने किया। कोई बात नहीं, जो कुछ दादा ने तुझसे कहा है चल के उसके बाप के सामने। अरे मैं उसके बाप के सामने नहीं जाऊंगा। अरे तू क्या नहीं जाएगा बेटे, तेरे अच्छे चल सीतरा, क्या करे चल। आए आए आए, ये रहे दादा के पिताजी, छोड़ो मेरा हाथ और कर लो इनसे बात। तो आप हैं उसके पिताजी, आप अपनी बेटी को यही सिखाते हैं कि दूसरों से लड़ती फिरे। क्यों भाई, क्या हुआ, क्या किया हमारे बेटे ने? क्या नहीं किया है उसने, आज सुबह मेरी दोस्त की गाड़ी का शीशा तोड़ा है, इस वक्त मेरा सर तोड़ा है गिल्ली मारकर, और हाथ जख्मी किया है। इस वक्त तुम्हारा हाथ जख्मी किया है? जी हाँ, इस वक्त। ये देखिए। क्यों झूठा इल्जाम लगाते हो मेरी बच्ची पर, वो बेचारी तो सुबह से कमरे में बंद है। क्या कमरे में बंद है? हाँ भाई, हमने उसे बंद किया है, जिसे देखो हमारे बेटे की शिकायत लेकर चला आता है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद अपनी आंखों से देख लो, चलो आओ मेरे साथ। चलिए। रूपा, रूपा। क्या बात है बापू, क्यों शोर मचा के मेरी नींद खराब कर रहे हो? लो अपनी आंखों से देख लो, ये सुबह से यहीं बंद है, वो कोई और लड़की होगी। जी नहीं, ये वही लड़की है जो अभी अभी मेरे साथ झगड़ा करके भागी है और यहाँ आकर छिप गई है। इससे पूछिए आप, क्यों ये वही लड़की है? नहीं जी बिल्कुल नहीं, सुबह से तो मैंने दीदी को देखा तक नहीं। सुन लिया? समझ गया, ये सब आप लोगों की मिली भगत है और आप ही ने मेरे आने से पहले इसे अंदर छिपा दिया है। होश की बातें करो बखुरदार, पहले तुमने मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया, अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। बापू ये कौन बिल्ली का बच्चा है जो तुमसे इस तरह बातें कर रहा है, जरा दरवाजा तो खोला। देखिए इसे शराफत से बोलना सिखा दीजिए और कह दीजिए अगर मुझसे फिर उलझी तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम चुप रहो जी, नथु। हाँ मालिक। जरा मालूम करो ये कौन है जो हमें इस तरह धमकी देकर गया है। समझ गया मालिक, अभी देखता हूं। अपने चंद कबूतर दोस्तों के साथ शिकार खेलने आया है और डाक बंगले में ठहरा हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम? दीदी को मैंने बताया था। तूने बताया? कब किस वक्त बताया? तुम तो अभी अभी ये कह रहे थे कि तुम सुबह से इससे मिले नहीं। अभी अभी इशारों में बताया था। इशारों में बताया? नथु। हाँ मालिक। तुम भी मेरा इशारा समझो। समझ गया मालिक, इसे भी बंद किए देता हूँ। बापू टिंगू को भी अंदर बंद कर दो, मैं बहुत घबरा गया था, अब इससे खूब खूब बातें करूंगा। चलो चलो। अच्छा अच्छा टिंगू, हम दोनों खूब बातें करेंगे। वो बिल्ली का बच्चा बापू से शिकायत करने आया था, उसकी खबर लेनी पड़ेगी। चल। अरे दीदी अभी नहीं, थोड़ा अंधेरा होने दो। तुम उस उल्लू के पट्टे दादा को यहाँ पकड़ कर क्यों नहीं लाए? उल्लू का पट्टा वो नहीं तुम हो जो शराब पीकर बहक रहे हो। तुमने मुझे गाली दी? वैसे ये दादा तुम्हारा क्या लगता है भाई? क्या है? अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं, तुम जाकर सो जाओ, तुमने ज्यादा पी रखी है। चलो। कितनी बार बोला है ज्यादा मत पिया कर भाई, चलो। अच्छा रवि मैं भी चलता हूँ। नाक में दम कर रखा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो जाके सो जाओ। चलो हाँ जाके जाके सो जाओ। क्या भाई हंगामा? हाँ आज हम दोनों ने मिलकर रवि को बहुत डांटा। अच्छा समझता क्या अपने आप को? अरे ये दिलीप कहाँ है? उंगली क्या दिखाता है, मुंह से बोल रहे यार। बाथरूम गया ना यार। अरे कमीने मेरा गिलास किधर है? बहुत मच्छर है यार। यही है जी। मैं झापड़ मारा ये हाथ में बॉर्डर है, मैं बड़ा झापड़ कैसे मार सकता हूँ? मुझे हाथ लगा बहुत बुरी मार मारूंगा, समझे? मैं मार अब तुमने मुझे बड़ा क्यों मारा? अबे तेरा दिमाग खराब है, मैं दारू पी रहा हूँ, मारा 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 चिल्ला रहा हूँ। दिमाग खराब है अपना, अपना दिमाग खराब। अबे दीदी पाया क्या? अरे मेरा
क्यों नहीं? अरे बोलना कुछ। अभी मैं यहाँ पे भूत देखा था। कहाँ है भूत? हाँ, भूत है? अभी तो नहीं था। यहाँ भूत था ना? हाँ था। वो अंदर भी भूत था ना? अंदर भी भूत था। जरूरत से ज्यादा शराब पीते हो और फिर कहते हो भू भू भूत देखा। देखता हूँ समझ गया राम। जानने जाके मेरी बंदूक लेकर आ। मैं अभी इस भूत की खबर लेता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? मुझे डर लगता है। तो ठीक है मैं लेकर आता हूँ। नहीं मैं भी चलता हूँ। दादा दीदी। वो दादा दीदी क्या? वो बिल्ली का बच्चा बंदूक लेने गया है। आप चलो वरना गड़बड़ हो जाएगी। चल चल। अभी मजा चखाता हूँ भूतों को। यहाँ तो कोई भी नहीं। देखा ना बंदूक का नाम सुनते ही भाग गया। हाँ। भूत के बच्चे भाग आओ। अरे यहाँ भूत भूत कोई नहीं है। चल अंदर चल के सो। चलो रवि। हाँ। मुझे अभी भी डर लगता है। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे होते हुए तेरे को डर नहीं? क्या भी होता मैं तेरे साथ हूँ। और ये दिलीप का बच्चा अभी तक बाथरूम में बैठा है। दिलीप आओ। हाँ चल चल तू तो सो। चल तू भी चल। गजब हो गया जजमान जी। गजब हो गया। गजब हो गया। क्या हो रहा है? कल रात से टिंकू गायब है। आप चिंता न कीजिए। टिंगू को मैंने रात से रूपा के साथ कमरे में बंद कर रखा। ये आपने बहुत अच्छा किया जजमान जी। न तू जा और टिंगू को ले। अभी लाया मालिक। लड़का क्या है आफत की पुड़िया है। मैंने उसके भाई शंकर को चिट्ठी में लिख दिया भैया आ और अपना ये बोल्ट ले जा। ये आपने क्या किया? अगर टिंगू चला गया तो मेरी रूपा अकेली रह जाएगी। राधे श्याम जी इन दोनों के दम से इस गांव में रौनक लगी रहती है। अच्छी रौनक है जजमान जी। मेरी मानो तो जल्दी से रूपा के हाथ पीले कर दो। लड़की क्या है आफत की पुड़िया। नमस्ते राधे श्याम जी। आ रूपा बेटी मैं अभी तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मेरी तारीफ कर रहा था? हाँ बेटी मैं कह रहा था इतनी सीधी लड़की के लोग खामो खा निंदा करते हैं। टिंकू अब चल मैं तुझे बंद करूंगा। बंद कर ले। हाँ इसे संभालो। इसे संभालो। देखा जजमान जी मेरे हाथ में गुल्ली दे दी। गुल्ली रवि रवि। अरे उठिए आप। गजब हो गया। अरे यार क्या है सुबह सुबह तंग करते हैं। हंगामा। दिलीप तीनों गायब है। घूमने गए होंगे। घूमने नहीं गए मुझे लगता है वो चले गए। ना उनका सामान है ना जीप है। लगता है भूतों के डर से भाग गए। डरपोक कहीं के। वैसे हम भी अपना सामान पैक करें। ब्रह्म प्यारे रात के भूत दादा की शरारत थी। आज तो देख मैं उसके साथ क्या करता हूं। अरे तू क्या करेगा वो। अरे यार तू नहीं जानता कि दादा कौन है। दादा नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। और अच्छा चल जल्दी से तैयार हो जा। शिकार भी खेलेंगे और दादा की खबर भी। तो आप हैं। कौन तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? टिंगो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। दादा दीदी पानी में धकेल दिया जाए। अरे तैरना नहीं आता मुझे बचाओ। उसको तैरना नहीं आता। डूब जाएगा। Come on.
अब क्या करें टिंगू, ये तो बेहोश हो गया, अगर मर गया तो अपने को हत्या लगेगी। अरे ये तो बहुत पानी पी गया है, इसे औंधा कर देते। दीदी तुम इसकी पीठ पे बैठ जाओ, बैठ पानी निकल जाएगा। पानी निकला टिंगू? नहीं दीदी नहीं निकला, थोड़ा और दबा। निकला क्या? हाँ निकला, थोड़ा निकला लेकिन होश में नहीं आया। ओ बिल्ली के बच्चे होश में आ जा, टिंगू तू जाके वैद्य को बुला के ला। अच्छा जल्दी जल्दी। ओ भवानी माता इसे भगवान के लिए बचा लो, मैं चाराने का प्रसाद बांटूंगा और आइंदा फिर ऐसा कसूर कभी नहीं करूंगा। सच? ढोंगी कहीं के? तुमने शरारत की तो कुछ भी नहीं, और जब तुमने शरारत की तो बुरा मान गए। कसूर तुम्हारा नहीं तुम्हारी नजरों का है। कसूर तेरी नजरों का था, कसूर तेरी नजरों का था, इसलिए मैं दीवाना हुआ, इसलिए मैं दीवाना हुआ। सवाल तेरे तीरों का था, सवाल तेरे तीरों का था, इसलिए दिल निशाना हुआ, इसलिए दिल निशाना हुआ। कसूर तेरी नजरों का था, कसूर तेरी नजरों का था। हद है पहली मुलाकात में, हद है पहली मुलाकात में, ओ कितनी बातें हैं हर बात में, कितनी बातें हैं हर बात में। ये कदम तो मेरे साथ में, मेरी पहचान पे बन गई, और तेरा रूठ जाना हुआ। कसूर तेरी नजरों का था, कसूर तेरी नजरों का था। चंचल भी है भोली भाली है, चंचल भी है, ओ तू तो बिजली भी बादल भी है, तू तो बिजली भी बादल भी है, और थोड़ी सी पागल भी है। कयामत गले पड़ गई, बात करना बहाना हुआ। कसूर तेरी नजरों का था, कसूर तेरी नजरों का था। कहूँ तूने क्या क्या कहा है, क्या कहूँ तूने क्या क्या कहा, ओ तेरा हर वार दिल पे सहा है, तेरा हर वार दिल पे सहा। सब समझ कर भी मैं चुप रहा, जब घर से इशारा मिला, दिल इधर से रवाना हुआ।
कसूर तेरी नजरों का था, इसलिए मैं दीवाना हुआ, इसलिए मैं दीवाना हुआ, कसूर तेरी नजरों का था, कसूर तेरी नजरों का था। सिचुएशन है रवि बाबू, आप खूब मुलाकात हुई शंकर, तुम यहाँ कैसे? अरे ये तो अपना ही गांव है, बंबई चले गए थे फिल्म के शौक में। अच्छा, हीरो बनने का था क्या? नहीं, विलन। अपने को तो काम बिगाड़ने में मजा आता है, लेकिन किसी डायरेक्टर ने चांस ही नहीं दिया। ओ, अरे हाथ में बंदूक, क्या शिकार खेलने आए हो क्या? हाँ शंकर, शिकार के बहाने अपने होने वाले को देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो यूँ कहो कि अपने गांव में तुम्हारी ससुराल है, तो फिर चलो बैठो अपने रोज राइज में और तुम्हारी ससुराल पहुँचा दूँ। नहीं शंकर, ठीक है, मैं तो यहीं डाक बंगले में ठहरा हूँ। क्यों, अपने ससुराल में क्यों नहीं? अरे उन लोगों को तो ये भी पता नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ। और उनको, जिनको छुप छुप के देखने आए हो? उसे भी नहीं। हाँ समझ गया रवि बाबू, शायर कहता है कि मिट गए जिसके लिए नाम तक उसका न लिया, काश इस बात की उसको भी खबर हो जाती। तुम शेर बहुत अच्छे सुनाते हो शंकर। टिंगू, जिंदा है भाई जी? आप वापस चले जाइए, फिर बुला के किस ले लाया था? अरे बाबा, जो मरा हुआ था वो सामने जिंदा खड़ा है, गलती होगी, माफ कर दो। जाओ। वाह, क्यों रुक गया रे टिंगू? आया भैया, आया। अच्छा, तो ये तुम्हारा भाई है? हाँ। बड़ा शरारती लड़का है ये। अच्छा शंकर, तुम अपने भाई से मिलो, मैं चलता हूँ। अच्छा रवि बाबू। अच्छा, कैसा है तू? अच्छा, क्या है बंबई से मेरे लिए? ले, मैं ऐसी खुशी नहीं तेरे को? बहुत खुशी हुई। काका कैसा है? बहुत अच्छा। ठीक है ना, चल गाड़ी में बैठ। तुमने बड़ी कृपा की शंकर, जो आ गए, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गया हूँ। ऐसी कौन सी शरारतें करता है काका? अरे रास्ते चलते लोगों को छेड़ता है, किसी का मटका फोड़ता है, किसी का माथा फोड़ता है, दिन भर रूपा के साथ गिल्ली डंडा खेलता रहता है। अरे रूपा तो बड़े बाप की बेटी है, उसकी शरारतें तो निभ जाएगी, पर इसका क्या होगा? अरे ये भी शंकर का भाई है काका, अब तुम देखना, इसे बंबई ले जाऊंगा और पढ़ा लिखा कर कैसा अपडेट बना दूंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा भैया, सुन लिया? और करो लाड़ प्यार। काका ये तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह रहा है। नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं दादाजी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अरे भागता कहाँ है, मैं तेरी हड्डी पसली कर दूंगा। तो क्या जबरदस्ती ले जाओगे? और नहीं तो क्या, तुझे हमारा गद्दी के लिए छोड़ दूंगा। सुबह होने दे, मैं तुझे गाड़ी के बोनट से बांध कर ले जाऊंगा। चल बैठ। शंकर हमारे टिंगू को लेकर बंबई जा रहा है, उसका बाप भी नहीं ले जा सकता। तुम लोग जाओ, कल सुबह फौज तैयार रखना। वाह वाह, क्या सिचुएशन है, गाड़ी तूने रोकी? अभी तो गाड़ी रोकी है, आगे सोच क्या होगा। क्या होगा? तुम टिंगू को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकता? टिंगू हमारी फौज का कमांडर है। टिंगू आजा, बाहर आजा। अगर इसने तुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मैं बमबारी करा दूंगा, समझा? अरे बड़ी आई बमबारी कराने वाली, जानती है मेरा नाम शंकर है शंकर, ज्यादा गड़बड़ करेगी तो तुझे भी उठा कर ले जाऊंगा। मुझे उठा के ले जाने वाले दो ही थे, एक मर गया और एक पैदा ही नहीं हुआ, देखता हूँ तू उसे कैसे ले जाता है, हिम्मत है तो ले जा। क्या बात है, टिंगू से तेरा प्यार देखकर तो मुझे भी तुझसे प्यार हो गया, मुझे अपना बड़ा भाई समझकर मेरी एक बात सुनेगी? बोल क्या बोलता है। देख, तू तो एक दिन पराए घर चली जाएगी, फिर सोच टिंगू का क्या होगा, तू चाहती है कि आवारा लफंगा और बदमाश बन जाए? अरे मैं तो इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। अरे पगली, जिससे प्यार होता है उसका रास्ता नहीं रोकते, उसकी जिंदगी बनाते हैं। अब बोल, टिंगू को ले जाऊं या छोड़ जाऊं? ले जाओ, मैं इसका रास्ता नहीं रोकूंगा। टिंगू तू शंकर भैया के साथ जा। हा? अरे तू रो रही है? अरे टिंगू तेरे से मिलने के लिए हाँ आएगा, नहीं तो तू चली आना। हाँ मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा।
जा घर जा, जा चल टिंगू चल। अब बैठ यहां और मुझे बता, तुझे किसी ने कुछ कहा है? माँ, टिंगू बंबई चला गया। अरे तो इसमें रोने की कौन सी बात है? टिंगू बंबई गया है ना, ब्लैक तो नहीं गया पगली कहीं। उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। हम तुझे बंबई भेज देंगे, वहाँ तू उससे मिल लेना। सच बापू? हाँ। तो फिर मुझे जल्दी भेज दो ना। हाँ हाँ बेटी, हम तुझे जल्दी भेज देंगे। अब रो मत, रो मत। बापू, आज के बाद मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगा। कितनी मासूम है मेरी बच्ची, तुमने लाख बेटा समझकर पाला, पर है तो बेटी। जरा से दुख पर उसके अंदर की सोई लड़की जाग उठी। रुक्मणी, ये बड़ा अच्छा मौका है। भगवान की दया से द्वारकानाथ अब जज हो गए हैं और रवि वकील हो गया है। तुम रूपा को समझाओ कि वो कितने बड़े घर की बहू बनने वाली है। लड़कियां कपड़े कैसे पहनती हैं, बातचीत कैसे करती हैं, तुम समझाओ जी उसे। अब वो सब मान जाए। मैं कभी बंबई जाता हूँ और द्वारकानाथ से शादी की तारीख पक्की करके आता हूँ। पति परमेश्वर होता है, उसके पांव छूना, सेवा करना स्त्री का धर्म। समझ गई ना? हाँ। याद भी रखेगी? हाँ। अप्सरा जैसी लग रही है मेरी बेटी। अजीब सा लग रहा है माँ। अरे बाबा, दो चार दिन में आदत हो जाएगी। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, लगता है गिर जाऊंगा। फिर गिर जाऊंगा, आदत जो पड़ गई है। अच्छा बाबा तू बैठ, मैं जरा रसोई तक हुआ। माँ, कल से मैं भी रसोई में जाऊंगा। जाऊंगी, आज जरा चलने की प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, हाँ, चल दो चार कदम चल, फिर अपने आप। हाँ हाँ चल तो सही। हाँ ऐसे। क्यों आए हो? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। इस तरह क्यों देख रहे हो? बोलते क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा क्या ले लिया है? अगर बता दूं क्या लिया है तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। क्या ले लिया है? एक फर्टीचर किताब है जिसमें तुम्हारी तस्वीर है, वो मैं तुमको नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं भी नहीं मांगूंगी। अच्छा ये बताओ, ये अचानक काया पलट कैसे हो गई तुम्हारी? मैं बंबई जाने वाला हूँ। वाला हूँ? वाली हूँ। और बंबई जाने के लिए शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के लिए लड़की बनना पड़ता है। तो तुम शादी भी करोगी? करनी पड़ेगी, टिंगू से जो मिलना है। अच्छा तो तुम टिंगू से मिलने के लिए शादी करोगी, अपने दूल्हा से मिलने के लिए नहीं? कौन दूल्हा? मैं तो उसको जानता, मेरा मतलब जानती भी नहीं। मैं जानता हूँ, वो जज द्वारकानाथ का बेटा है। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है। तुम 11 दिन की थी और वो 6 साल का, जब तुम दोनों की सगाई हुई थी। अरे हाँ, माँ बताती थी, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं द्वारकानाथ का बेटा हूँ, रवि। तुम रवि हो बेटा? जी हाँ, नमस्ते। जीते रहो। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम लोगों ने अनजाने में न जाने तुझे क्या कुछ कह दिया है। बड़ी भूल हो गई माँ, मैंने भी इनको कई बार बिल्ली का बच्चा बोला, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? माँ ने कहा है पति के पांव छूने चाहिए। देखिए माँ जी, कल तक तो मेरा सर तोड़ रही थी और आज मेरे पैर छू रही है। बैठो बेटा बैठो। राधे श्याम राधे श्याम। आइए पंडित जी। चलो 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 चलो। ये है अपना रवि। रवि? कौन रवि? अपना द्वारकानाथ जी का लड़का, जिससे रूपा का ब्याह होने वाला है। अरे भाई, हमने तो तुम्हें इतना सा देखा था, अब वकील बन गया है। क्यों नहीं क्यों नहीं, ये सब हमारे बिटिया के भाग्य से हो रहा है। उसका नाम लगते ही वकील बाबू जज बाबू बन गए और लड़का वकील बन गया है। परंतु परंतु ये कन्या कौन है? अपनी रूपा पंडित जी। आई? नमस्ते। नमस्ते, जीती रहो जीती रहो। पंडित जी, इसके पिता बंबई गए हैं इसकी लगन की तारीख पक्की करने, जरा पोथी देखकर बताइए। गिरा घड़ी तो ठीक है ना? आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे, हम अभी बताते हैं। सोम मंगल राहु शनि केतु सारे ग्रह उत्तम है। आहा,
भाग्यवती सौभाग्यवती रहेगी, जीवन भर स्वागिन कहलाएगी। पुत्र चार होंगे, चारों नर होंगे, राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे नरवीर होंगे। एक दूसरे को देखे बिना एक पल भी चैन नहीं आएगा, मन बार बार यही पुकारेगा, यही पुकारेगा। जो मैं पाऊं अपने पिया को अखियन में रख लूं, ना मैं रेखू कोई और न तो को देखन दूं। तो ये देखा ना जान, कोई प्यार से तो ही देखे सावरिया, मेरे प्यार से तो ये देखा ना जान। तेरी ओर उठे कोई नजरिया, मेरे प्यार से तो ये देखा ना जान। कोई प्यार से तो ही देखे से तो है अपना रे माना जब से। नई बात हुई है कोई, क्यों अखियां है खोई खोई। रुत बदले पल में ऐसी, मैं हो गई भावरी जैसी। ये हाल रहा तो रानी, तो है जान के प्रेम दीवानी। मेरे नाम से छेड़े सारी नगरिया, मेरे प्यार से तो ये देखा न जा। प्यार से तो ही देखे सावरिया, मेरे प्यार से तो ये देखा ना जा। प्यार है कितना प्यारा, तुझे पाके सब कुछ हारा। मुझे डर लागे सखियों से, तो ही चुरा ले अखियों से। यही दर्द है मेरे दिल में, मैं भी हूँ इसी मुश्किल में। चल हो के न हो अब फेरे, मैं संग सजना तेरे। कहीं और तुझे कोई चुनरिया, मेरे प्यार से तो ये देखा ना जा। प्यार से तो है देखे सावरिया, मेरे प्यार से तो ये देखा ना जा। जाए जो काबू मेरा, कोई साया न देखे तेरा। मेरा बस हो तो सारे नैना, तो ही ढूंढा करे दिन रहना। तस्वीर बना लूं तुझको, नस नस में छुपा लूं तुझको। क्या दूर बिछड़ना कैसा, कोई प्यार करे हम जैसा। तेरे बिन बीते एक पल उमरिया, मेरे प्यार से तो ये देखा ना जा। प्यार से तो है देखे सावरिया, मेरे प्यार से तो ये देखा ना जा। तेरी ओर उठे कोई नजरिया, मेरे प्यार से तो ये देखा ना जा।
लीजिए और जोर से। हाँ हाँ हाँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि सिगरेट ना पिया करिए, और सुनिए आपको खाने पीने सोने जागने। बस बस बस, समझ गया समझ गया। अंकल अभी तो मेरी बात आधी भी नहीं हुई थी कि आपने टोक दिया। हाँ ठीक है, तुम आधी डॉक्टर हो इसलिए आधी बात काफी है। अगर तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा तो घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। तुम एक काम करो, जरा शिव को देखो। मुझे क्या हुआ है? अरे भाई घबराओ नहीं, घर की डॉक्टर है, फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, रवि की दोस्त है। जरा चेक करो इसका मुंह क्यों फूला हुआ है। देखो तो अंकल। बेटी तुम मुझे क्या देखोगी, आज मैं इसे देख लेता हूँ। द्वारका, हफ्ते भर से यहाँ पड़ा हूँ और तुम्हें दो मिनट मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं। बस इस बात पे नाराज हो? अरे अभी बात कर लेते हैं। अरे जमना आओ 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 बैठो। बेटा जरा रवि को बुला ला। मगर रवि तो बाहर गया हुआ था, वापस कब आया? कल रात ही वापस आया है तुम्हारे गांव से। मेरे गांव से? जी। जमना जरा इन्हें बताओ, रवि ने वापस आने के बाद इनके बारे में क्या क्या कहा। अजी मैं क्यों बताऊं, रवि खुद ही आकर बता देगा कि भाई साहब ने और रूपा ने उस गरीब के साथ क्या क्या सलूक किए। क्या कह रही हो भाभी, रवि तो मुझसे मिला ही नहीं। नमस्ते शिव नारायण जी। नमस्ते। लो अब इनकार कर लो कि रवि तुमसे नहीं मिला और तुमने उसे डांट फटकार के घर से नहीं निकाला। बोलिए ना भाई साहब, रूपा ने इसके सिर पर गिल्ली नहीं मारी, इसका हाथ जख्मी नहीं किया, इसके पीछे बच्चों की फौज नहीं लगाई। जमाना ऐसा है शिवनारायण कि आजकल बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, उनके लगाए हुए रिश्ते भी तोड़ देते हैं। अरे बड़ी मुश्किल से उसको राजी किया था लेकिन तुमने सब किए कराए पे पानी फेर दिया। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई साहब कि आप और रूपा मेरे रवि के साथ ऐसा सलूक करेंगे। और मुझे भी आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और इसने क्यों नहीं बताया कि मैं रवि हूँ? मैं इसे कैसे पहचानता? क्या इसकी पेशानी पे लिखा हुआ था कि ये रवि है? मैंने इसे उस वक्त देखा जब ये इतना सा था। और आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं लिखा कि रवि आ रहा है? इस राजदारी का मतलब क्या है? और अब आप लोगों के दिल में क्या है? बताओ रवि तुम्हारे दिल में क्या है? दिल की बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डैडी। खैर आप कहते हैं तो दोहरा देता हूँ। मैंने एक लड़की पसंद की है, लड़की के माता पिता भी राजी हैं, और लड़की की माँ ने तो पंडित को बुलवा कर शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया है। पंडित राधे श्याम जी का कहना यह है कि तुलसी विवाह के तीसरे दिन तीसरे पहर तीसरे पल विवाह होगा। आप कन्या के पिताजी से पूछ लीजिए कि उन्हें मुहूर्त पसंद है या नहीं। मैं तो चला, नमस्ते। कुछ समझे भाई साहब? दरअसल बात यह है शिव कि रवि रूपा को देखे बिना शादी नहीं करना चाहता था, और मुझे ये डर था कि वापस आने के बाद अगर उसने इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर मुंह नहीं दिखा सकूंगा। शुक्र है भाई साहब, रवि ने रूपा को पकड़ लिया। भगवान ने हमारे वचन की लाज रखी है। अरे अरे अब तो हंस दे शिव, और भाभी को जाके ये खुशखबरी दे दे कि बारिश के बाद हम बारात लेके आ रहे हैं, हमारे स्वागत की तैयारी करें। तो है बड़ी महसूस खबर है जमना। रवि जी डैडी, सर अब मैं सैकड़ों गांव डूब गए, उनमें गोपालपुर भी है।
जी हाँ, शिवनारायण जी इसी कैंप में थे। दो दिन पहले उनका देहांत हो गया। देहांत हो गया जी? लेकिन उनकी बीवी, लड़की, उनका नौकर हो सकता है? उनके साथ बस उनकी लड़की रूपा थी, चुन्नीलाल उसे बॉम्बे ले गई। चुन्नीलाल? जी हाँ, कह रहा था वो लड़की के ससुराल वालों को अच्छी तरह जानता है, वहीं उसे ले जा रहा है। अभी तक तो वो पहुंच भी गए होंगे। आओ, अंदर आओ। ये तो मुझे कहा नहीं आया। ये तुम्हारे सेवक का गरीब खाना है, एक एक कप चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। अरे शामू, ओ शामू। आया उस्ताद। क्या बात है उस्ताद। शामू, ये रूपा जी है, तुम इन्हें अंदर ले जाओ। तुम अंदर चलो, मैं चाय लेकर आता हूं। जाओ, आइए, जाओ, आइए। बैठो ना, इसे अपने ही घर समझो। हाय, आहा, जवानी की कसम, तुम ऐसी हिरनी हो जिसे अपनी सुगंध का खुद पता नहीं। अगर हमारे साथ रहोगी तो जिंदगी भर ऐश करोगी। मेरा नाम चुन्नीलाल है जाने मन। तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों की सेवा करके मैं पुण्य कमाता हूं। कितने दिनों से तुम्हारी ताक में था। आई हो तुम, जान तो ले लो, चाहने वाले बाबूजी। सुनिए, क्या बात, आप कुछ परेशान से लगती हैं। वो बिल्ली का बच्चा मुझे बहका के ले आया था, लेकिन मैंने भी उसकी मालिश पालिश कर दी। आप इस शहर में पहली मरतबा आई हैं? जी। आप रवि का पता जानते हैं? कौन रवि? वकील हैं, उनके पिता का नाम द्वारकानाथ है। किस जगह रहते हैं? मालूम नहीं। खैर कोई बात नहीं, अगर वकील हैं तो उनका पता चल जाएगा। आइए मेरे साथ। जी? आप घबराइए मत, मैं कोई बिल्ली का बच्चा नहीं, मैं एक शरीफ आदमी। आइए प्लीज। आओ, ये मेरा छोटा सा गरीब खाना है। रंगी जी। ए रंगी। अभी हाजिर हुआ साहब। सलाम साहब। सलाम मेम साहब। शीला कहाँ? मालकिन, मालकिन तो शॉपिंग के लिए गई है साहब, अभी तक नहीं आई। ये हमारी धर्म पत्नी भी अजीब है, हर रोज इनके सर पर शॉपिंग का भूसा रहता है।
लेकिन हाँ बहुत खुश मिजाज, मिलोगी तो तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। रंगी जी सर, इनको अपनी मालकिन के रूम में ले जाओ, जाओ जल्दी से नहा धोकर कपड़े चेंज कर लो। जी मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप मुझे रवि के घर पहुँचा दीजिए। फिर वही बच्चों जैसी बात, इन फटे कपड़ों में ससुराल जाओगी, तुम्हारे सास और ससुर क्या सोचेंगे, फिर मेरी भी तो इज्जत का सवाल है। रंगी जी सर, इनको शीला की एक उम्दा सी साड़ी दे दो। अच्छा। जाओ जल्दी से बन समर कर तैयार हो जाओ, मैं तब तक मिस्टर रवि का पता मालूम करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा रवि मिल जाएगा। रंगी इनको ले जाओ। जी चलिए भाई साहब। ये देखिए, ये गुसलखाना है, ये श्रृंगार में, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए कपड़े निकालता हूँ, आइए ना। अरे बही जई है एक दिन जुलमी बयरिया रे। अरे सुनते ही बेचैन हो गए। हाँ हाँ बस तैयार हो रही है, अभी लेके आता हूँ। श्योर ओके बाय बाय। गुड, ये हुई ना कोई बात, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे रवि का पता चल गया। मैं अभी अभी रवि के घर वालों से ही बात कर रहा था। सच? मुझे वहां ले चलिए। बस अभी थोड़ी देर में चलते हैं। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे मैले कपड़े। छी छी छी, इन्हें लेकर वहां जाओगी? लाओ मुझे दे दो, मैं धुलवा के भेज दूंगा। साहब नाश्ता तैयार है। चलो पहले कुछ खा भी लेते हैं फिर चलते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा है खाने के लिए, मेहरबानी करके मुझे रवि के यहाँ ले जाइए। अच्छा चलो पहले तुम्हें छोड़ के आते हैं। रंगी अपने मालकिन से कह देना कि हम एक आध घंटे तक खाएंगे। हाँ सर। और हाँ ये लो इन्हें धुलवा देना। जी सर। चलो माय मां, ये रवि का घर है। रवि कौन? रवि मैं कुमार हूँ। ये जगदीश लोहे खुंटी। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, आज की रात हम सब तुम्हारे रवि हैं मेरी जान। बिल्ली के मार भूल गया बिल्ली के बच्चे? तो दादा तुम थी, आज पूरी कसर निकाल के छोड़ूंगा। सादा भाई कार
बेटा टपक रहा है, पिस्टन में क्रैक है और गियर बॉक्स का दिवाला निकल गया है। अभी तेरी गाड़ी ठीक नहीं होती। गाड़ी नहीं ठीक होगी तो फिर बड़ा मैकेनिक किस बात? अरे बड़ा से बड़ा मैकेनिक क्या कर लेगा, इसकी तो चूल चूल ढीली है, बिल्कुल कंडम। मेरी बात मान, इसे भंगार में डाल दे और नवी मॉडल की गाड़ी ले ले। माल कहाँ से लाऊं? सादा भाई, तुझे माल की क्या कमी? इतने बड़े बम्बई शहर में अक्कल के अंधे और गांठ के पूरे कम है क्या? तेरे को टॉप कंडीशन की मर्सिडीज दिला दूंगा, मर्सिडीज, और सस्ते में। बस एक मोटी सी मुर्गी फांस ले। शंकर, मैं तो सोचती हूँ तुझे ही फांस लो। हाय, क्या सिचुएशन है सरदार भाई, इन तिलों में तेल नहीं है। अब मेरा पीछा छोड़, ले जा अपनी खटारा। आज तो ठीक कर दी है, दो दिन के बाद फिर बिगड़ जाएगी। अच्छा अच्छा, बोल कितने पैसे दूं? पैसे लेके क्या करूंगा, एक मुजरा सुन लूंगा, अगला पिछला सब हिसाब चुकता हो जाएगा। कहता तो हमेशा है पर आया कभी नहीं। सरदार भाई क्या करूंगा, अगर चमाचम गाड़ियों के बीच में खटारा लगूंगा, नवे मॉडल की गाड़ी में पुराना स्पेयर पार्ट। बातें बड़े मजे की करते हैं। अरे बातें मैं क्या कहता हूँ, सर खुद कहता है, जो भी आया है तेरे पास बैठा चाहे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जाएं। कभी आके तो देख, पहलू से चिपका के बिठाऊंगी। है अरे ठिंगू, भैया रूपा, अरे ये तो बेहोश होगी, ठिंगू जल्दी से डॉक्टर जी को लेकर। कपड़े बहुत गीले हैं, बदल देने चाहिए, इसको बहुत तेज बुखार है। अच्छा लो सारा भाई, अभी तो ये पहना दूँ, बाद में मैं इसके लिए दूसरे कपड़े ले आऊंगा। कपड़े बदल दो। डॉक्टर जी आइए, नमस्ते, अंदर जाइए। अरे चिंगू तू अंदर मत जा, शारदा भाई उसके कपड़े बदल देंगे। भैया दादाजी अच्छी तो हो जाएंगी ना? हाँ रे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बता कि तुझे कहाँ मिली? चौड़े रास्ते पर, मैं स्कूल जा रहा था, आज तुम मेरी साइकिल से टकराई। क्या मुझे देख के रोने लगी, ऐसा बिलख के रोई भैया, ऐसा बिलख के रोई कि मैं भी उनके साथ रोने लगा भैया। मैंने बहुत पूछा, कुछ नहीं बताया भैया, टैक्सी में बिठाइए। आज चौथा दिन है मम्मी, चुनीलाल और रूपा को कैंप से निकले हुए। कहीं ऐसा ना हो रवि कि चुनीलाल रूपा को बहकाकर कहीं ले गया हो। क्यों बुरी बात मुझसे निकालते हो पॉल? हो सकता है मम्मी, रूपा जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है। अब क्या होगा बेटे? हमें पुलिस की मदद लेनी ही पड़ेगी। अखबारों में रूपा की तस्वीर छुपा देते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई तस्वीर है उसकी? नहीं तस्वीर तो नहीं। तो फिर उसका हुलिया क्या है वो हमें बतला दो। रूपा वही तो है पॉल जिसने तुम्हारी गाड़ी का शीशा तोड़ा था। वो रूपा थी? हाँ पॉल वही रूपा है। घबराओ मत रवि, हम सब मिलकर उसे तलाश करेंगे। मैं अभी सब अखबारों में उसका हुलिया छुपा देता हूँ। नॉट अ बैड आइडिया रवि। पॉल जी तुम अखबारों में खबर छपा दो, मैं कमिश्नर साहब को फोन किए देता हूं, रुपा हमें जरूर मिल जाएगी। कौन है? अपने गांव की है, मुंह बोली बहन है। यहां कैसे आई? भगवान जाने, सारा गांव तो बाढ़ में तबाह हो चुका था, इस गरीब पर न जाने कौन सी विपदा पड़ी होगी। अब होश में आए तो कुछ पता चले। शादी हो गई है? नहीं तो क्यों? ऐसा लगता है शंकर इसके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। साफ साफ बताओ शारदा भाई, डॉक्टर ने जी ने कोई खास बात बताई है क्या?
अरे नहीं शंकर, तुम तो सचमुच घबरा गए। ऐसी कोई बात नहीं है, शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये पटिया ऐसे ही रखते हो, मैं फिर आऊंगी। अच्छा। तुम नहीं जानते हो किशोरी लाल, ये सब कुछ इस नमक हराम सरजू की वजह से हुआ है। बिना खफा हो रहे हो सरकार, आपने कहा लड़की को उठा के फेंक दे, सो मैंने फेंक दिया। बोल बेंगी। जी हाँ पाल बाबू, हम लोगों ने उस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दिया समंदर के किनारे। जो आप कहते मार डाल तो हम मार डालते। बकवास मत, अब तुम दोनों मिलकर उसे ढूंढो, जाओ यहाँ से। जो हुकुम सरकार। चल बेरंगी। चलो उस्ताद। सपोज अगर वो लड़की इन दोनों को नहीं मिली, रवि को मिल गई, तो क्या होगा? फांसी का फंदा पड़ जाएगा हम चारों के गले में। हाँ, हमने किसी का खून नहीं किया, हाँ जरा सी बेजा हरकत जरूर की है, सो इसके लिए हमारी दौलत लड़की के रिश्तेदारों का मुंह बंद कर देगी। दौलत मुंह बंद करती है गरीबों का, लावारिसों का, और वो लड़की जज साहब की होने वाली बहू है। अगर भूले से भी उनके हाथ लग गई तो हम सबके छिलके उतर जाएंगे, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। दिन फिर क्या हो जिससे हम सब की जान बच जाए? तुम भी तो कुछ बोलो किशोरी लाल। तुम तो इस तरह बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घबराने से कुछ नहीं होगा, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। हम लोग उस लड़की की तलाश जारी रखते हैं। तुम रवि और रवि के घर वालों को ये यकीन दिला दो कि लड़की मर चुकी है। हाँ, कैसे? ऐसी तरकीब बताता हूँ कि जज साहब अपनी होने वाली बहू को हमेशा हमेशा के लिए रो धोकर खामोश हो जाएंगे। आओ मेरे साथ। जी जी नहीं, पिताजी अभी तक वापस नहीं आए, प्लीज कोशिश कीजिए। थैंक यू। किसका टेलीफोन था बेटे? इंस्पेक्टर का। मां, कुछ पता चला? तलाश जारी है, कुछ समझ भी नहीं आता रूपा को कहां से ढूंढ कर लाऊं। इस तरह परेशान होने से तो कुछ होगा नहीं, सब अखबारों में खबर छपवा दी है, पुलिस तलाश कर ली, रूपा जरूर मिल जाएगी। रवि, एक ध्याती तुमसे मिलने के लिए आया है। आओ बाबा, अंदर आओ। आओ आओ आओ। ये रवि बाबू ने। राम राम। कई दिन से शहर में मारा मारा फिर रहा था बाबू, कि आज एक भले मानुष ने छापे में पढ़कर रूपा बिटिया की कैफियत बताई। जब से आपका पता तलाश करता गलियों गलियों भटक रहा था बाबू। भगवान भला करे इनका जो हमें आप तक ले आए। मगर तुम हो कौन? मेरा नाम चुन्नीलाल है बाबू। चुन्नीलाल? रूपा कहाँ है? अब किस जबान से कहूं कि बिटिया कहाँ है बाबू? कैंप से लेकर के उसे चला था कि रास्ते में हालत खराब हो गई और ऐसी बिगड़ी कि फिर नहीं संभली। इन मजबूर और लाचार हाथों पे उसकी चिता जला के आ रहा हूं बाबू। मरने से पहले पिटिया ने बस इतना कहा था, मेरे रवि को मेरा आखिरी नमस्ते कहना। बाबू, ये कपड़े रह गए हैं बिटिया के, तुम्हारी अनामत इन्हें ले लो। हाय, क्या पहुंचाने निकला था और क्या पहुंचा रहा हूं। फिर रोना धोना? रूपा तुझे क्या हो गया है? चुप्पी से क्यों लग गई है? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या दिन रात सोचती रहती है? भैया। अरे पगली, माँ बाप किसी के हमेशा जिंदा रहे हैं, जो पैदा हुआ है एक दिन मरेगा।
शायर कहता है कि मौत की किसके साथ यारी है, आज वो कल हमारी बारी है। अरे भगवान का शुक्र कर कि तू बच गई और हमारे पास आ गई, तुझे किस बात का गम? अरे तेरे तो एक छोड़ दो दो भाई जिंदा हैं। सुन, मैंने टिंगू को भेज के सिनेमा का टिकट मंगवाया है, चले जाना उसके साथ, मन बहल जाएगा, समझी? ले दूध पी। दादा दीदी। ले, टिंगू भी आ गया। चलो पिक्चर का टाइम हो गया, तैयार हो जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाऊंगी, चल के देखो तो सही, क्या पिक्चर है, क्या मारा मारी है। दुश्यम, दुश्यम उसका जो हीरो है ना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने गांव में नहीं आता वो बंदूक वाला, मेरे रवि जैसा। रवि? कौन रवि? जैसा का लड़का? हाँ भैया, वही तो है जिनके साथ मेरी शादी होने वाली थी। अरे हाँ याद आया, रवि मुझसे कह रहा था कि हमारे गांव में उसके ससुराल है। अरे वो तो अपना अच्छा खासा यार है। मुझे उनके पास ले चले ना। ले, क्या सिचुएशन है। अरे चलो अभी चलो। अरे भैया मेरी फिल्म का क्या होगा? बेटे लेकिन अकेले देख ले। चलो भैया। चलता हूँ लेकिन तू दूध पहले पी ले। चलो दूध नहीं पिएगी तो नहीं जाऊंगा। ये हमारे पास आने के पहले ये कहा थे? क्या सिचुएशन है, हमको जितना मालूम था हमने आपको बता दिया, बाकी आप खुद है पूछ लो, हम चलते हैं। ठहरो शंकर, बैठो चाय पीकर जाना, तुम आओ मेरे साथ। क्या सिचुएशन है। चलो भाई जरा म्यूजिक का प्रोग्राम हो जाए। फिर क्या हुआ? मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। फिर उन चारों भेड़ियों ने मुझे नोच डाला, मैं बेहोश हो गई। मर जाती तो अच्छा। चल मेरे साथ। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? इसे यहाँ लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? औरत अपने पति के घर अपनी आबरू का तोहफा लेकर जाती है और ये अपनी लूटी हुई इज्जत का साया डालने आई है मेरे बेटे पर। माँ जी किसने कहा कि इसकी इज्जत लुट चुकी है? इसने खुद कहा अपने मुंह से, पूछ इससे। रूपा? हाँ भैया, मैं खुद ही नहीं जानती थी कि मैंने अपना क्या खो दिया है। अब तो जान गई, रवि ने तुझे मरी हुई समझकर सबर कर लिया है, अब अपना मुंह हमेशा के लिए छुपा ले वरना मेरे बेटे का जीना हराम हो जाएगा। ठीक है माँ जी, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। रूपा, हम रवि बाबू से मिले बगैर नहीं जाएंगे। खबरदार जो उससे मिलने की कोशिश की, मैं तो शराफत से पेश आ रही हूँ, रवि होता तो धक्के मार के निकाल देता। क्या सिचुएशन है माँ जी, आपने इस गरीब को सहारा नहीं दिया तो ये बेचारी कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, कहीं भी मुंह काला करे। ठीक है माँ जी, तो आप भी सुन लो, सारी दुनिया भी जो ठुकराए तो क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। चल रूपा। रूपा, तेरी दुनिया वालों ने मुझे इस तरह नोच डाला है माँ कि आज मैं तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मेरा प्यार, मेरा सुहाग, मेरा घर, मेरी लाज, सब कुछ लूट चुका है। अगर मैं आ भर तो चुप नहीं रहूंगी, मैं तेरी सौगंध खाती हूँ माँ, एक एक से बदला लूंगी। पगली, इतनी बड़ी कसम क्यों उठा ली तू? जिंदगी में क्या कुछ नहीं होता, गाड़ियां टकराती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मैं उन्हें ठोक पीट कर ठीक कर देता हूँ, फिर चलने लगती। जो हो गया उसे भूल जा, कम से कम एक बार रवि से तो मिल ले। तुमने तो सुना था भैया, माँ जी ने क्या कहा था, औरत अपने पति के घर अपने आबरू का तोहफा लेकर जाती है। माँ जी की बात छोड़, रवि पढ़ा लिखा है, वो तुझे जरूर अपना लेगा। रवि सबसे अलग तो नहीं है भैया, सीता जैसी देवी को दुनिया वालों के कहने पर जब राम जी बिना कारण के बनवास दे सकते हैं तो मैं क्या हूं? मेरे माथे पे तो कलंक लग चुका है, रवि मुझे कभी नहीं अपनाएगा। उसके घर से निकली थी तो सोचा था कि मर जाऊंगी, लेकिन अब मरूंगी नहीं भैया, जीऊंगी और बदला लूंगी। रूपा, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, मैं तेरे साथ हूं, चल चल मेरे साथ। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था शंकर, जिस दिन यहां आई थी।
मैंने तुमसे कहा भी था कि इसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, लेकिन तुम समझे नहीं, मैं भी टाल गई। बिन ब्याही लड़की है, कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। लेकिन लेकिन इसे ये सब कहने की जरूरत क्या थी? भोली भाली मासूम लड़की है सारदा बाई, दुनिया की चलत फिरत को क्या जाने। रवि बाबू के घर से निकलते ही इसकी हालत गैर हो गई। भवानी माता के चरणों में लिपट कर इतना रोई कि मेरी छाती फट गई। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर इसको यहां लाया। तुम क्या जानो शंकर, औरत की आबरू जब लुटती है तो उसके कलेजे में कैसी आग लगती है, और वो आग उस वक्त तक नहीं बुझती जब तक वो अपना इंतकाम न ले ले। शारदा बाई, इसने बहुत बड़ी सौगंध खाई है। इसकी सौगंध जरूर पूरी होगी। भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं। रूपा, मैं भी तेरी एक उजड़ी हुई बहन हूं। अगर मैं तेरे किसी भी काम आ सकी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं तुझसे शाम को मिलने फिर आऊंगी। शारदा बाई की सराफत देखकर आज हमें भी झटका लग गया। हम तो उसे सिर्फ नाचने वाली समझते थे। लो, डॉक्टर ने जी आ गई। रवि होता तो मार के निकाल दे। ये तो शंकर का गैरेज। हाँ, उसी की बहन तो बीमार है। रवि बाबू नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर जी। क्यों शंकर, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अब तो तुम्हारी बहन भी अच्छी हो गई। हाँ, थोड़ी सी कमजोरी बाकी है, वो भी जाती रहेगी। डॉक्टर ने जी, आज सुबह फिर उसकी तबीयत खराब हो गई है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, आप चल के देख लीजिए। वही तो हम भी सोच रहे थे रवि बाबू, तुमको क्या हो गया है? बहुत कमजोर नजर आ रहे हो। बहुत दर्दनाक कहानी है शंकर, सुनोगे तो तुम्हें भी दुख होगा। अरे तो हम भी गम में शरीक हो जाएंगे। तुम तो बिल्कुल अच्छी हो गई थी, फिर ये अचानक क्या हो गया? दवाइयां भी वैसी रखी, आखिर बात क्या है? देखो, डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते। तुम्हें जो गम है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तुम किसी से प्यार करती हो? यकीन मानो, मैं तुम्हारे भाई से कहकर उसी से शादी कराऊंगी जैसे तुम प्यार करती हो। बोलो शंकर। भाई, मेरे इलाज से तुम्हारी बहन अच्छी नहीं हो सकती। क्यों डॉक्टर नीजी? वो बहुत शर्मीली है, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे यकीन है वो जरूर किसी से प्यार करती है। जिसको वो चाहती है तुम उससे उसकी शादी कर दो, यही तुम्हारी बहन का इलाज है। अपनी बहन की शादी जरूर कर देना शंकर, प्यार की मार बहुत बुरी मार होती है, आदमी जीते जी मर जाता है। चलो कल्पना। रवि की बातों से ऐसा लगता है रूपा कि वो तुम्हें बहुत चाहता है। मैं जानती हूँ भैया, वो मुझे बहुत चाहता है, मगर असलियत जानते ही वो मुझसे नफरत करने लगेगा और मैं सचमुच मर जाऊंगी। यही सोचकर तो हम खामोश हो गए। चलो। को यहां लेकर आया था? हाँ, लेकिन वो आदमी कौन था जिसे तुम लेकर आए थे? वो मेरा आदमी था। क्या? हाँ आंटी, जो बात आज आपको मालूम हुई है मुझे उसी दिन मालूम हो गई थी। लेकिन तुम्हारे पास रूपा के कपड़े कहां से आए थे?
वो कपड़े मैंने अपनी जान पर खेलकर हासिल किए थे। रूपा किन लोगों के हाथों में है आंटी, ये बताऊंगा तो आपको दुख होगा। ना ही बताओ तो अच्छा है। अब तो ये सोचकर परेशान हूं कि कहीं रवि को पता चल गया तो क्या होगा। रूपा रवि के लिए मर चुकी है और हमेशा मरी ही रहेगी। इसका इंतजाम मैं आज ही किए देता हूं। छोड़ देगा? सच? सच नहीं तो क्या झूठ है? उल्लू, असली जो गुंडे होते हैं
कभी वादा खिलाफी नहीं करते। मैं तुझे छोड़ भी दूंगा और साथ में तेरी मदद भी करूंगा। तो सुन, एक का नाम पाल है। दीदी, दीदी। अब समझा, अब उन सालों की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन जो मैं कहूँ वही करना। हाँ बिल्कुल करूंगा, लेकिन मुझे कोई ऐसी तरकीब बता दे कि मेरी जान उन चारों से बच जाए। घबरा मत, ऐसा फार्मूला 54 बताऊंगा कि तेरी पूरी कहानी फिट हो जाएगी और ऊपर से उन सालों की तरफ से तुझे इनाम भी मिलेगा। भैया भैया, दीदी को होश ही नहीं आ रहा है। हाँ? तुझे खोल दे, मैं भी आता हूँ। भाई मोटो, भैया को कोई पट्टी पढ़ानी क्या? अरे नहीं रे, आज मुझे मालूम हुआ कि असली गुंडा किसे कहते हैं। सरकार, आपका दिया हुआ किलोरा फार्म काम आ गया। तुम अपनी बकवास बंद करके मतलब की बात बताओ। वही तो बता रहा हूँ सरकार, शंकर को बेहोश करते ही मैं लौंडिया पर झपट पड़ा, बेखबर सो रही थी सरकार, उसको अपने कंधे पर डाल के तान भागा कि पसीने में सराबोर हो गया। फिर क्या हुआ? अब फिर वही हुआ जो आप चाहते थे, 36 टुकड़े कर दिए साली के। हाँ, कैसे? बस कर दिए, मगर लौंडिया बड़ी दमदार थी सरकार, रंगी के मुंह पर ऐसी लात मारी कि उसके दो दांत तोड़ दिए। जी सरकार। अभी दिखा था क्यों नहीं? देखो ना सरकार। बस बस ठीक है, ये बताओ लाश के टुकड़ों का क्या किया? गटर में फेंक दिए सरकार। बस फटाफट इनाम निकालिए, बड़ी मेहनत करके आए हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी बकवास में कितना झूठ है। मैं जानता था सरकार आप बड़े सक्की मिजाज हैं, इसीलिए उस लौंडिया के कपड़े लाया हूँ, प्रूफ के लिए है। इन्हें जला के खाक कर दो, सारे प्रूफ खत्म। पुलिस जिंदगी भर खोज लगाती रहे और पुलिस को कुछ न मिले। गेट गुड, ये लो इनाम। बस 100 रुपए ली सरकार, इतने बड़े काम के। क्या हर महीने तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती? जाओ अपना मुंह काला करो। मुंह काला तो सरकार की खिदमत गुजारी में पहले ही से हो चुका है। एक नोट और मिल जाता ना तो हम दोनों ऐश कर लेते। Why not? क्यों नहीं, ये लो जाओ और ऐश करो। चल बेरंगी चल। मेरा दांत। अबे काई को मरा जाता है, सरकार नए दांत लगवा देंगे। चल। कमर भी टूट गई। सरजू की बात पर 100% यकीन नहीं किया जा सकता। बट वाय? इसलिए कि वो अव्वल दर्जे का और बेईमान है। यस यस। अगर सरजू ने झूठ बोला तो मैं उसे गोली मार दूंगा। गोली मारने से कोई फायदा नहीं। पाल, तुम तो शंकर को जानते हो, जाओ और सरजू की बात को कंफर्म करो। अब यही करना होगा। आ गया कबूतर। आइए आइए कबूतर आइए। अच्छा तो आप यहाँ भी पहुँच गए। ग्यारी जपना है, शंकर भैया मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा अच्छा, कहो कैसे आना हुआ? मुझे अपने कैरियर के बोल्ट टाइट करवाने हैं। अरे आप जहाँ के कहो वहाँ के बोल्ट टाइट करवा देंगे। अमेजान साहब के बोल्ट टाइट करना। ओ, कैरियर के, कैरियर के, कैरियर के। चाहिए नहीं रहने दो। अच्छा ये तो बताओ वो तुम्हारी दादा दीदी कहाँ? वो अभी यहाँ नहीं है। वो तो गाँव में थी। गाँव में? लो गाँव से तो कब की आ गई थी। गायब है? हाँ, उन्हें नींद में चलने की आदत है, रात को सुन सुबह गायब। भैया उन्हीं को ढूंढने गए हैं। ओह आई सी। भैया भैया, दादा दीदी मिली नहीं रे। अरे पाल बाबू, क्या सिचुएशन है, कैसे तशरीफ लाए? भाई बहुत अफसोस हुआ सुनकर के तुम्हारी बहन कहीं चली गई। अफसोस तो हमको भी बहुत हुआ पाल बाबू, पर क्या कर सकते हैं। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। अरे रिपोर्ट लिखाने से कोई फायदा नहीं, अपन कौन अपनी सगी बहन है, अपने गांव की थी, आसरा दे दिया था, दो चार दिन में उधर भटक के अपने आप आ जाएगी। साहब बोल्ट कसती हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा शंकर ये लो, मैं चलता हूँ। अच्छा भैया, भेज लेने आया था बिल्ली का बच्चा। चल तू स्कूल जा। अच्छा अरे उधर कहाँ, इधर साइकिल में। साइकिल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखिए सेठ साहब,
तबीयत खुश पे खुश हो जाएगी। ओहो, अगेन वंडरफुल लाला जी, आपके पास तो एक से एक बढ़िया माल। हाँ जी, बढ़िया माल सेठ साहब, आपने देखा ही कहा। ये देखिए, ये जेवर असली है? जी नहीं, नकली है। आपको चाहिए असली के बराबर, देखिए। जी नहीं, हमें तो असली ही चाहिए, शुक्रिया। अगेन वंडरफुल सेठ साहब, दोनों नगीने अपनी जान पहचान के हैं। अच्छा, कहें तो मुलाकात कराई दूं? श्योर श्योर। ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। माफ कीजिएगा, बिना वजह आपको तकलीफ। कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखिए, पान वान खाइए। जी नहीं, शुक्रिया। जैसे आप। रूपा, ये क्या? पहले तो खुद ही कहा कि टाल दो, और अब रो रही हो। तो दिल भर आया। बैठो बैठो बैठो, बुलाते हैं। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। अरे भाई शारदा भाई है। फिर कौन आया? कौन है भाई? हम हैं भाई। कौन है भाई? अरे हम हैं, सलाम करने आए हैं। कौन साहब हैं आप? लो, पहचाना नहीं? हमें लाला होती रहा मुजफ्फरनगर वाले। माफ कीजिएगा, मैंने तो आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। लो और सुनो, अरे भाई सार कहता है कि दिल ले लिया है, किसका है दिल जानते नहीं, यूं बन रहे हैं जैसे कि पहचानते नहीं। पहचान लिया लाला जी, बिल्कुल पहचान लिया। लेकिन आज बरसों के बाद आप ये रास्ता कैसे भूल पड़े? अरे भाई सुना है कि तुम्हारी बहन चंदा का बड़ा बोलबाला है सारे शहर में। तो आप चंदा ले आए हैं? अरे राम का नाम लो शारदा भाई, हम तो तुम्हारे पुराने आशिक हैं, तुम्हारी बहन हमारी बहन हुई। अरे चंदा के लिए तो ये दो सितारे आए हैं, देख लो इनका मुखड़ा, ये है कुमार और ये है जगदीश। लो फिर भूले फिर भूले, अब ये है जगदीश और ये है कुमार। हेलो, आदाब। बहुत तारीफ सुनी है चंदा की, जलवा देखने आए हैं। सुन लिया शारदा भाई, कितने बेचैन है। हमने बहुत समझाया कि वहाँ मत चलो कजा के मुंह में, लेकिन नहीं माने, जिद करके चले आए कत्ल होने। तो कत्ल कराई दो ना चंदा के हाथों। वो तो अपने आप ही हो जाएंगे चंदा का जलवा देखकर। बट वन थिंग, चंदा का जलवा हम अपने बंगले पर ही देखेंगे। हाँ, अपने बंगले पर। क्यों? अरे भाई रईसों के बेटे हैं, बाप की कमाई का जोर है। मगर लाला जी, यहाँ जो चंदा के चाहने वाले आएंगे उनका क्या होगा? शारदा भाई, उनका क्या होगा ये तुम जानो। अब भाई अपने पुराने आशिक की इतनी सी बात तो रख लो। अच्छा,
अब आपकी बात टाल भी तो नहीं सकती। हाँ ये कोई बात हुई ना, इसी बात पर एक शेर सुनाता हूँ। शायर कहता है कि नजर ने नजर से मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश और बात कर ली। इसी बात पे नजराना पेश कर दो। Why not? Why not? This is नजराना। शुक्रिया। कहाँ आना होगा? अरे भाई हम खुद आएंगे लेने के लिए। हाँ आधा बज कर दो। बाय बाय। आधा बज। आधा बज। आधा बज।
निकाल दें, ये तालियां दुलूल पत्ते लगा है। शिबा शिबा हूँ। ए, इसको काय को डांटता है? ये हमको बोला, हम पत्ता लगाता है, फिर बोलेगा, हम इसको गेट के बाहर उठाएगा और बाहर फेंक देगा। अरे वाह वाह वाह, बाहर फेंक देगा बाप का राज है। दीदी तुम इतनी साथ मत खेलो, तुम्हारे सारे पैसे जीता जा। तुम चुप रहो बॉबी। ए पते बाट। कौन है और यहाँ किसके साथ आई है? आपके दोस्त ब्रह्मबाबू ने भेजी, वो उन्हीं के होटल में ठहरी हुई है। और ये दूसरा आदमी कौन है? इसे सरजू लाया है, बड़ी मोटी आसामी है। आई सी। चलते उनका सूती लिया तो बोलो, तो तालियां साला मार जीत लेता तो जीजा जी वो जूते मारते आवाज आती भता भत भता भत भता भत। ये आपका भाई है? जी, तुतला के बोलता है। अरे दीदी जल्दी चलो, बहुत देरी हो रही है। अकेले कैसे जाए बॉबी, मुझे उस काली से डर लगता है। तुम फितरती उतरती हो, बाबू साहब अपने तो होटल तक पहुँचा देंगे। पहुँचा दोगे ना बाबू साहब? हाँ हाँ, श्योर श्योर, आइए चलिए चलिए। पैसे जमा कर दो, सब घर में हिसाब कर लेंगे। एकदम बंदे बंदे नोट लाए थे, छुट्टे हो गए। जल्दी चलो भाई साहब, प्लीज मेहरबानी, जल्दी चलो। अरे ये होटल तो अपने दोस्त का है, आपको किसी भी बात की दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा। थैंक यू। लोगों की मदद करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। आज की थोड़ी सी मुलाकात से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं आपको बरसों से जानती हूँ। एक कप चाय पी के जाइए ना। आइए ना। आइए आइए, पता नहीं आइए। हेलो, एक बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, तुमने तो हमारे होटल में आने ही छोड़ दिया। जबान चलाती है, खाल खींच लूंगा। हरामखोर, एक तो हमारी कमाई खाता है, ऊपर से हम भी को डांटता है। ये ले, अच्छा ये बात है, ठहर जा। तीन दिन हुए इन लोगों को होटल में आए हुए, और तीन दिन में मैं तेरा ड्रामे देख चुका हूँ। लड़की इसके हाथों फंसी हुई मालूम होती है। हो गई हमदर्दी? हाँ भाई क्यों ना हो, लड़कियों से हमदर्दी करना तुम्हारे जन्म की कमजोरी है प्यारे। ऐसी बातें सबके सामने नहीं क्या करते। चंदा तो बाहर गई हुई है। नेवर माइंड, हम इंतजार करेंगे। बैठिए। आइए आइए, कितनी बड़ी उम्र है आपकी, हम लोग आपके ही बात कर रहे थे। व्हाट इज रॉन्ग चंदा डार्लिंग? कुमार साहब आप अंदर आइए। एक्सक्यूज मी मिस्टर जगदीश। ये क्या, सिर्फ कुमार को बुला रहा है? अरे इतने बेताब क्यों हो रहे हैं आप? आपका भी नंबर आएगा। आप भी कमाल करते हैं, आए भी तो कबाब में हड्डी लेकर। बट चंदा डार्लिंग मैं क्या करता, वो हड्डी साथ में चिपक गई। तुम कहो तो मैं अभी उसे चलता की। आप कहेंगे तो शायद बुरा मान जाएंगे, मैं खुद ही कह दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों की दोस्ती में फर्क पड़े। बस इतना नाटक कीजिए जैसे कि आप मुझसे खफा होके जा रहे हैं। श्योर श्योर, तुम देखो मैं किसी एक्टिंग करता हूँ, मगर इतना बता दो फिर कब मुलाकात होगी? कल रात ठीक 10 बजे। अच्छा, मैं आपको फोन करूंगी, अपना फोन नंबर दे दीजिए। ये मेरा फोन नंबर। गुड नाइट। नॉनसेंस, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे हु केयर्स। क्या हुआ कुमार? हेलो जगदीश, तुमको बैठना है बैठो, मैं जा रहा हूं। आपके दोस्त का भी जवाब नहीं, मैंने उनके सामने जरा सी आपकी तारीफ कर दी तो
तो नाराज होके चले गए। जल गया कमीना, छोटे दिल का है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों की दोस्ती में फर्क पड़े। अरे इसमें दोस्ती किस बात की, यह तो दिल का सौदा है। वैसे मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम मेरे साथ गुजारो। आज की रात छोड़ दीजिए, कल की रात सिर्फ आपकी रात होगी। वादा? पक्का वादा। आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं आपको कल फोन करूंगी। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। बाय बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। बिल्ली के बच्चा, बिल्ली के बच्चे नहीं, कुत्ते के बच्चे। चंदर बाबू साहब। अरे बाबी आओ आओ, तुम रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं बाबू साहब, कल आप जब चले आए ना तो जीजा जी ने मोना दीदी तो हंतरों से मारा, सलाक सलाक बिचारी बहुत लोई, और जब सोना दीदी बचाने गई उनको भी हंतरों से मारा, सलाक सलाक। बड़ा जाली मैं हमारा जीजा जी, मरता भी तो नहीं। मोना दीदी ने आपके नाम ये लेते आए और जवाब भी मान रहा बीते अभी। बड़ा आरामी जीजा जी, एक तो दीदी तमाई दादा ऊपर से दारू चली देता था, मेरा बसरा तो उसे दांत डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अपनी दीदी से कह देना कि मैं जरूर आऊंगा और उनकी हर तरह से मदद करूंगा। अरे बाबू साहब मैं आपसे आधे हाथ धोता हूँ, मेरी दीदी की जान बचा लीजिए। तू रो मत बाबी, वो बदमाश मोना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। बड़ा तमीना हमारा जीजा जी। अरे दादाजी क्या मैंने एक्टिंग की, क्या रोया हीरो क्या रोएंगे। अरे वो तुम्हारी चिट्ठी पढ़ते ही लोटन कबूतर हो गया, ठीक वक्त पे प्रोग्राम में आएगा। चल चल अब दादाजी। रूपा
बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे इस नर्स से बाहर निकालिए। आप घबराइए मत, लेकिन मैं क्या करूँ ये तो बताइए। मैं आपको अकेले कहाँ मिल सकती हूँ, सिर्फ इतना बताइए। आप इस एड्रेस पे पहुँच सकेंगे? पहुँच जाऊंगी। कब? मैं आपको टेलीफोन करके बताऊंगी। मोना! वो जलील आ गया, आप जाइए। मैं आपके टेलीफोन का इंतजार करूँ। ओके, आप जाइए। रूपा, ये रवि यहाँ कहाँ से आ गया? पता नहीं। चलो। मैं रूपा नहीं हूँ। ये तुम कह रही हो कि तुम रूपा नहीं हो? छोड़ दो मुझे। ये तुम्हें क्या हो गया रूपा? अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। रूपा, रवि बाबू, रूपा का हाथ छोड़ दीजिए। शंकर, ये क्या तमाशा है? रूपा आपके लिए मर चुकी है रवि बाबू, और मरे हुए लोगों का पीछा करने से कोई फायदा नहीं। चल रूपा। मैं तुम्हें नहीं जान दूंगा शंकर, आखिर बताओ कि राज क्या है? रवि बाबू, ये राज क्या है ये अपने जिगरी दोस्त पाल बाबू से पूछिए, जिन्होंने रूपा के मरने की खबर आपको दी थी। देर मत कीजिए आंटी, कल्पना से शादी होते ही रवि रूपा को हमेशा के लिए भूल जाएगा। मैं रूपा को कभी नहीं भूल सकता पाल, मैं भी उससे मिलकर आया हूँ। इसलिए तूने रूपा की मौत की खबर सुनाई थी कि कल्पना की शादी मुझसे हो सके? कौन था वो हरामजादा जो रूपा के कपड़े लेकर यहाँ आया था, बता कौन था वो? वो औरतों का दलाल था रवि, और रूपा से धंधा करवाता। रूपा के बारे में ऐसी गंदी बात की तो जान से मार डालूंगा। जलील, आज मुझे मालूम हुआ कि इसके पीछे कौन सी साजिश थी। रवि, ये क्या कर रहे हो? तुम बीच में से हट जाओ मम्मी, आज मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे रूपा से जुदा किया है। इसने वही किया जो एक दोस्त को करना चाहिए था। पाल ने जानबूझकर कहा था कि रूपा मर चुकी, क्योंकि सच्चाई तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यमुना, हमें बताओ सच्चाई क्या है। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। इसका मतलब यह है कि तुम भी पाल के साथ मिली हुई हो? क्या? सुन सकते हो तो सुनो, रूपा की इज्जत लुट चुकी है। मम्मी, चार मर्दों ने उसके साथ मुंह काला किया है। भगवान के लिए इतनी गंदी गाली मत दीजिए रूपा को, ये सब तुमसे इस कमीने ने कहा है। इसने नहीं, खुद रूपा ने कहा है मुझसे। रूपा तुम्हें कब मिली थी? एक दिन वो शंकर के साथ यहाँ आई थी, उसी ने मुझे बताया कि चुन्नीलाल औरतों का दलाल था, वो उससे बचकर भागी तो चार आदमियों के जाल में फंस गई, उन सब ने मिलकर उसकी इज्जत लूट ली। ये सब जानने के बाद ही मैंने उसे घर से निकाल दिया। ये जानते हुए भी कि उसके साथ जुल्म हुआ है, तुमने उसे घर से निकाल दिया? जिस औरत की आबरू लुट चुकी हो, क्या उसे सीने से लगाया जाता है? हाँ जमुना, ऐसी मजलूम औरतों को सीने से लगाया जाता है, उनके आंसू पोछे जाते हैं, उन्हें सहारा दिया जाता है। जरा सोचो जमुना, अगर हमारे कोई लड़की होती है और उसके साथ ऐसा हादसा होता तो क्या तुम उसे घर से निकाल देती? क्या तुम उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देती? मैं नहीं जानता था मम्मी कि तुम इतनी पत्थर दिल भी हो सकती। मैं रूपा को लेने जा रहा हूं। रवि, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वक्त पे आ जाएंगे ना? वक्त पर क्यों डार्लिंग, मैं अभी गाड़ी लेकर आया, मेरा इंतजार करो। हेलो, हेलो जगदीश, मैं पाल बोल रहा हूँ। अरे बोर मत करो यार। जगदीश, 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 what do you mean? क्या बात कर रही हो चंदा दादी? जगदीश मुझे गालियां दे रहा था? जी हाँ, कह रहे थे कुमार कमीना है और छोटे दिल का है। I can't believe it, मैं यकीन नहीं कर सकता। तो फिर ठीक 10 बजे किशोरी कॉटेज पहुँच जाइए, और जो कुछ मैंने कहा है खुद सुन लीजिए। आ जाऊँ। मैं आपका इंतजार करूँगी। ये बोल। What? I said get out. My foot. Don't get for your foot. Hello, Kumar speaking. Paul bol raha hu. Oh, sorry Paul. I'm very much upset. Kumar. जगदीश मुझे लेने आ रहा है। कुमार 10 बजे आएगा और किशोरीलाल 11 बजे। अब पॉल को भेजना तुम्हारा काम है भैया। रूपा, तू उसकी फिक्र मत कर, उस साले के लिए तो ऐसा फार्मूला 54 तैयार किया है कि अपने आप पहुंच जाएगा। अगर ये मुझे मालूम होता
कि आप लोग सब कुछ जान लेने के बाद भी रुपए को लेने के लिए आएंगे तो मैं उसे हर किस न जाने देती। मगर वो गई कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मुझसे सिर्फ इतना कहकर गई है कि आज की रात फैसले की रात है। फैसले की रात? जी हाँ, भगवान ही जाने क्या फैसला हो। मेरी सौगंध पूरी हो गई माँ। तूने उन लोगों का जुल्म भी देखा था और मेरा बदला भी। मैं नहीं जानती उन्होंने जो किया था वो पाप था या मैंने जो किया है वो पाप है, पर मेरा मन शांत हो गया है। अब मैं मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा बेचैन नहीं होगी, नहीं होगी। अदालत से पुरजोर दरखास्त करता हूं मुलजिमा रूपवती को जेर दफा 302 सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाए। हाँ, दीजिए मुझे मौत की सजा। मैं खुद जीना नहीं चाहती। जज साहब, मौत की सजा देने के बाद भी आप मेरी इज्जत मुझे वापस नहीं दिला सकते। जो उन चारों भेड़ों ने लूट ली थी वो तो सिर्फ चार थे। अगर ऐसे 4,000 भी होते तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। उन जालिमों ने मुझे बीवी नहीं बनने दिया, माँ नहीं बनने दिया। मुझे जीते जी मार डाला जज साहब। योर ऑनर, इस मासूम लड़की पर जो कुछ गुजर चुका है क्या वो इसे दीवाना बनाने के लिए काफी नहीं है? रूपा के साथ जुल्म हुआ है ऑनर, इसकी आबरू टूटी गई और ये अपना दिमागी तवाजुन खो गई। औरत को अपनी जान से ज्यादा अपनी आबरू अजीज होती है और अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए औरत जान दे सकती है और जान ले सकती है। किशोरीलाल कुमार, जगदीश और पाल जैसे बदकिरदार भेड़िए न जाने हमारे समाज में कितने हैं जो रूपा जैसी मासूम लड़कियों की इज्जत बर्बाद करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक न एक दिन उनको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। कुदरत ने उन चारों को सजा दी। ये उनका कत्ल नहीं ऑनर, कुदरत का इंसाफ है जो इस मजलूम लड़की के हाथों पूरा हुआ। समाज के, इंसानियत के, कानून के किसी भी तराजू पर अगर तौल के देखा जाए तो रूपा को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। ये निष्पाप है, निर्दोष है। That's all. Your Honor, मैं अपने काबिल दोस्त की जज्बाती तकरीर से बेहद मुतासिर हुआ। मेरी आंखें भर आईं। ये एक मोहब्बत करने वाले दर्द भरे दिल की आवाज है जिसके जरिए मेरे काबिल दोस्त ये साबित करना चाहते हैं कि मुलजिमा रूपवती से दीवानगी के आलम में ये खत हुए हैं। ये अजीब दीवानगी है योर ऑनर, के जो पूरी चालाकी और यारी से कत्ल का प्लान बनाती है, नित नए रूप बदलकर मकतूल नौजवानों को अपने जाल में फांसती है। ऐसी दीवानगी पर तो कोई दीवाना ही यकीन कर सकता है, अदालत नहीं। इसलिए कि अदालत मेरे काबिल दोस्त की तरह दिल के हाथों मजबूर नहीं है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर चौहान पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर चौहान, प्रोसिक्यूशन को किसी के जाति मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट योर ऑनर, वकील सफाई आपके साहबजादे हैं और मुलजिमा से भी आपका जज्बाती रिश्ता है। मिस्टर चौहान, मुलजिमा के साथ हमारा वही रिश्ता है जो इंसाफ का एक इंसान के साथ होता है। फिर भी आपके रिमार्क का शुक्रिया। अब ये केस हम नहीं सुनेंगे। जब केस दूसरे जज के पास चला ही गया था तो आपको इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? अखबारों में एक एक बात छप चुकी है, घर की बदनामी हो रही है। मेरी बात मानिए, अखबार वालों को बुलाकर बयान दे दीजिए कि हमारा रूपा से कोई संबंध नहीं। जमुना, रूपा हमारे दोस्त की बेटी है, हमारी बेटी है। क्या तुम हमसे ये कहलवाना चाहती हो कि एक बाप का बेटी से कोई संबंध नहीं? रूपा आज तुम्हारी वजह से फांसी के फंदे तक पहुंच रही है। आज तक मैं जज था और तुम वकील, इसलिए रूपा के केस के बारे में मैंने तुमसे बात नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये केस कैसे लड़ना चाहिए। बेटे, मेरा तजुर्बा
और मेरी दुआएं सब तुम्हारे साथ हैं। योर ऑनर, यूं तो शंकर शारदा का बयान, सरजू रंगी और मुख्तलिफ गवाहों की गवाही मुलजमा को बेकसूर साबित करने के लिए काफी, फिर भी मैं अदालत को इस हकीकत से आगाह करना चाहूंगा कि रूपा का इरादा किशोरी लाल, पाल, कुमार और जगदीश में से किसी को भी मार डालने का नहीं था। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि चारों के दरमियान फूट पड़ जाए और वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाए। शायद वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाती, मगर पाल को जब अचानक पता चला कि रूपा जिंदा है तो वो बौखला गया। तुमने रूपा को मार डाला था ना, उसके 36 टुकड़े कर दिए थे ना, फिर वो जिंदा कैसे हुआ मालूम नहीं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? नहीं, माय बाप बिल्कुल नहीं, मैं तो झूठ नहीं। तुम दोनों को आज जान से मार डालूंगा। पाल बाबू, इन बेचारों को मारने से कोई फायदा नहीं, ये तो हुक्म के गुलाम है। हट बे, गोली मारनी है तो किशोरी लाल को मारो जिसने तुम्हें दगा दी और रूपा को अब तक अपने जाल में फंसा दिया है। पकते हो? पकता नहीं हूँ, ठीक कह रहा हूँ। अगर यार मारी देखनी है तो ठीक 12 बजे किशोरी कॉटेज पर पहुंच जाओ और रूपा को किशोरी लाल के साथ देख लो और कहो तो हम भी तुम्हारे साथ चलें, हैंडल घुमा के साले का नट बोल्ट ढीला कर दें। अगर तुम्हारी बात सच निकली शंकर, तो मैं किशोरी लाल को जिंदा दार दूंगा। क्या बात है, मेरी जान यहाँ आते ही खामोश हो गई। अरे पास आओ, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करें। बातें तो मैं आपसे कर सकती हूँ, लेकिन प्यार तो मैं तुम्हारे लोगों से करती हूँ। अरे उस साले का नाम लेगा, तूने हमारा मूड खराब कर दिया। प्यार उससे करती हो तो हमारे साथ किस लिए आई हो? आपको आजमाने के लिए। कितना फर्क है आप दोनों में। कुमार बाबू ने कभी आपकी बुराई नहीं की, लेकिन आपने उन्हें कमीना कहा और छोटे दिल का भी कहा। आराम ज्यादा और कुत्ता नहीं कहा, तो मैं अब जा रहा हूँ। सली, कुमार बाबू को गाली देता है। आराम दादी, तुमने मुझको चांटा मारा, मैं तुझका अभी ठीक करता हूँ। और मारिए कुमार बाबू, क्या आपको गाली दे रहा था? गाली दे रहा था? डोंट वरी डार्लिंग, अभी देता हूँ इसके खोपचे में। तुम मेरे खोपचे में देगा? अरे मैं तेरी हड्डी पसली है कर दूंगा। Yes, darling. Oh, thank you. Ashka? पहचानी जगाने में दिक्कत कैसे हो सकती है? तुम पहचान लिया कमीने? बिल्ली के बच्चे,
तुम लोग यहीं ठहरो। केस की सारी हकीकत जो आपने गवाहों की जबानी सुनी, ये महज एक इत्तफाक था कि पॉल का पिस्तौल रूपा के हाथों में आ गया और अपने बचाव के खातिर रूपा को गोलियां चलानी पड़ी, वरना रूपा पर कत्ल का इल्जाम लगने के बजाय ये मुकदमा रूपा के कत्ल का होता। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजमीन को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। प्रोसिक्यूशन के मुकाबले में बचाव की शहादतें ज्यादा वजनी मालूम होती हैं। सफाई की इस दलील से हमें पूरा इत्तेफाक है कि मुल्ज़िम आरूपवती का इरादा किसी को कत्ल करने का नहीं था, क्योंकि वाकई कत्ल का कोई आंखों देखा गवाह प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर सकी। इसलिए गवाहों ने सफाई के बयान को सही मानते हुए अदालत मुल्ज़िमान को गुनाहगार नहीं ठहराती। मुल्ज़िमा रूपवती
जिस दुख और ज़हनी तकलीफ से गुजर चुकी है वो बज़ात खुद एक बहुत बड़ी सजा है, इसलिए अदालत किसी और सजा की जरूरत महसूस नहीं करती। मुल्ज़िमा रूपवती, शंकर प्रसाद और शारदा को बाइज्जत बरी किया जाता है। देखा